हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 कंपोजिट मैथ बाय एस के गुप्ता पब्लिकेशन से क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1B का है। हमने इससे जो पहले जो वीडियोस बनाए थे, जो वीडियोस आप लोगों ने देख रखे हैं, वो 1A एंड एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीटेड है। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस। कोई जगह है, वहाँ का टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रहा है, यानी कि डेली 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही एक हफ्ते तक हुआ। व्हाट इज द चेंज ऑफ ए टेम्परेचर ओवर ए होल वीक। तो एक हफ्ते में, एक सप्ते में उसका टेम्परेचर कितना कम होगा। तो देखिए, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। अगर मान लीजिए आज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और 7 दिन बाद कितना हो जाएगा, अगर रोज़ कम हो रहा है, रोज़ 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 7 दिन बाद हमारा -14 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आज हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर आज हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो रोज़ 2-2 नीचे गिर रहा है। यहाँ पे बोला हुआ है आपका टेम्परेचर यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है, रोज़ 2-2 डिग्री नीचे गिर रहा है। तो फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। सेकंड डे में ऐसे ही -2, फिर थर्ड डे में, फोर्थ डे में, फिफ्थ डे में, और ऐसे ही 7th डे में हमारा टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक इसकी ये है, 1 डे में कितना गिर रहा है टेम्परेचर हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस, तो 7 डे में कितना गिरेगा हमारा टेम्परेचर, 7 × -2 = -14 डिग्री सेल्सियस। तो जो फॉलिंग हो रही है टेम्परेचर में, वो 14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस की हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें चूज करना है कि ये सही है या गलत। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। देखिए, अगर 3 नेगेटिव इंटीजर है, 3 नेगेटिव इंटीजर, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सिर्फ इसमें ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, आप कोई से भी 3 नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, यानी कि जिस पे माइनस की पावर हो। एक -2 ले लिया और एक -3 ले लिया, या फिर तो आप अपने मन से कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन माइनस की पावर होनी चाहिए थी। अगर हम इन सब का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, चलिए देखते हैं। 1 को 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, और 2 × 3 = 6 हो गया। अब देखिए, 6 हो गया, हमारा आंसर आ गया 6, लेकिन माइनस का 6 है या प्लस का 6, इसे आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये हो गया प्लस, ठीक है, और हमारा एक माइनस रह गया, तो हमारा क्या हो गया आंसर, माइनस का 6। तो देखिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। अगर आप 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं, तो एक नेगेटिव इंटीजर आता है, यानी कि प्रोडक्ट करके नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगला है, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इंटीजर इज नेगेटिव देन द देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। देखिए, ये बोला है कि 1 ऑफ द 2 इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर हैं, हमें नहीं पता वो क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, तब हमें पता चलेगा। इफ 1 नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है हमारा इंटीजर, ये रहा -2, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा हमेशा, यानी कि -2 में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो नेगेटिव होगा, और अगर दोनों ही माइनस की हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये है, इसने ये बोला कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है, ऑफ द 1 ऑफ द 2 इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर हैं, इफ 1 इज नेगेटिव, कोई सा भी 1 इंटीजर नेगेटिव है, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। तो ये जरूरी है क्या कि उनका प्रोडक्ट नेगेटिव ही हो? तो देखिए, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई भी 2 इंटीजर हैं, तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो उनके प्रोडक्ट भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो होंगी। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत दे रखा है, दोनों ही हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो हम यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0। कोई भी 2 हैं इंटीजर, ठीक है, एक है हमारा नेगेटिव और दूसरा है हमारा पॉजिटिव, तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, ये माइनस का बना रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नो, यानी कि फॉल्स। अगला है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ए अगर 1 से बड़ा है, देन देयर इज नो इंटीजर बी सच डैट। अगर ए 1 से बड़ा है, तो इसमें पूछा जा रहा है, देन देयर इज नो इंटीजर बी सच डैट, तो बी
मतलब कैसा नहीं होगा। अगर a को 1 से बड़ा कर दें तो इसमें बोला जा रहा है then there is no integer b such that, तो इनमें से कौन सा इंटीजर है, कैसा इंटीजर है b, इस तरीके से नहीं होगा, तो इसका होगा आपका true, हाँ नहीं होगा, ठीक है। which is the following, which of the following expression are equal to minus के 20, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि माइनस के 20 के इक्वल है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये माइनस के 20 हो गया, ठीक है। ये माइनस के 32 प्लस के 10, ये माइनस के 20 हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2, तो हमारा क्या रहेगा माइनस का 18। तो ये तो गलत है हमारा, एक ये सही आया है अभी तक। ये है माइनस के 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है। और ये क्या है 4 2 8, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होगा, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गए हमारे, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एक माइनस रह गया। अब देखिए माइनस के 12 और माइनस के 8 क्या होंगे, माइनस के 20, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अगला है 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2, अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2 का तो क्या आ जाएगा माइनस के 10। ऐसे अगर आप 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस के 12 आता है, और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस एक साथ में दे रखें, और प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस रहता है, ये क्या हो गया माइनस के 22, तो ये भी फॉल्स है। तो हमारे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, आप टिक लगा देना फर्स्ट एंड थर्ड जिसमें भी आंसर आ रहा हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जो ये क्वेश्चन बोला अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक फ्रीजिंग प्रोसेस यानी कि फ्रिज के प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, रिक्वायर्स डेट द रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट अ रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोई भी रूम है, आप किसी ठंडे इलाके में हैं, और वहाँ कोई रूम है जिसका टेम्परेचर आपका हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है, और ऐसे ही 10 घंटों तक टेम्परेचर कम हुआ। देखिए अभी प्रेजेंट टेम्परेचर आपका क्या बोला हुआ है, इसमें प्रेजेंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बोला हुआ है, आपका अभी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक रूम का टेम्परेचर है अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, अब देखिए 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घट रहा है, तो ऐसे ही टेम्परेचर 10 घंटे तक घटा, द डिक्रीजिंग ऑफ, इसमें लिखेंगे द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन एवरी आवर कितने डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, देन द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, तो 10 घंटे में कितना डिक्रीज हो जाएगा, दस घंटे में कितना हो जाएगा, हर घंटे में 5 घट रहा है तो 10 घंटे में कितना घटेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अभी टेम्परेचर आपका 40 है, 10 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मतलब 10 घंटे बाद आपका टेम्परेचर कितना रह गया, प्रेजेंट टेम्परेचर में से अगर आप 10 घंटे बाद का टेम्परेचर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब आपका टेम्परेचर माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगला है हमें ये और ये साइन का यूज़ करना है, यानी कि हमें बताना है छोटा है या बड़ा है, टू कंपेयर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 13। देखिए ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हम पहले इसे यहाँ पर उतार लेते हैं, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3, और दूसरी है हमारा माइनस के 2 प्लस माइनस के 1 प्लस 4 प्लस 2 माइनस माइनस के 3, ये दो इक्वेशंस है। अब चलिए इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, बताते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 इक्वल टू 2, और मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 24, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है माइनस के 24। देखिए माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, एक माइनस रह गया वो यहाँ आ गया। अगला है माइनस के 2 प्लस माइनस के 1, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 4 तो प्लस के 4 प्लस के 2, और ये माइनस माइनस हमारे क्या हो गए प्लस, तो 3 हो गए, ये रहा हमारा माइनस के 24। और ये हमें बताना है माइनस के 2 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। देखिए ये सारे प्लस में है, प्लस कर दीजिए आप इसको, क्या होगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, ये माइनस के 24 इधर है, और ये माइनस का 3 प्लस के 9 हो जाएगा हमारा,
ठीक है, अगर ये माइनस का 24 है और ये माइनस की 3 प्लस की 9, हमारा क्या आएगा आंसर 6, क्योंकि 9 में से 3 है तो 6 बचे, प्लस का 6 आएगा, माइनस का जिसके पास ज़्यादा, जिस साइन के पास ज़्यादा वैल्यू है वही साइन आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस के साइन के पास ज़्यादा वैल्यू तो प्लस का आएगा। अब देखिए आप माइनस का 24 बढ़ाए या माइनस या प्लस के 6, ऑब्वियसली प्लस का 6 बढ़ाए, तो यही होता है हमारा ये वीडियो कंप्लीट। देखिए इस वाले जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया हुआ है। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का पूरा पार्ट लिया हुआ है, और इससे पहले जो वीडियोस थे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया होगा, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप मेरे साथ मैथ पढ़ेंगे तो आपकी मैथ अच्छी होनी ही है, इस बात का मेरी तरफ से वादा है आपसे, क्योंकि मैं पूरा एक गेमिंग की तरह समझाती जा रही हूँ मैथ को। आपको मैथ इजी लगने लगेगी धीरे धीरे, आप कंटिन्यूसली अगर आप मेरी कुछ दिन वीडियोस देखते हैं तो थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि आपकी मैथ खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। आप एक बार मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख के देखिए, तब आपको इसका महसूस होगा, इसका एहसास आपको तब होगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।